भूकंप पाए भूकंप आए। तारीख पे तारीख देने वाले जजों के खिलाफ में ये स्वामी जी यहाँ यज्ञ कर रहे हैं और साफ तौर पर ये देखिए किस तरीके से जो है यज्ञ में आहुति डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का सर्वनाश हो, सर्वनाश हो, सर्वनाश हो, सर्वनाश हो, सर्वनाश हो। राम भव्य मंदिर का निर्माण हो, निर्माण हो, निर्माण हो, निर्माण हो। सुप्रीम कोर्ट के जजों का विनाश हो, विनाश हो, विनाश हो। सीआईए के एजेंट देशद्रोही नक्सलवादी जजों का विनाश हो, विनाश हो, विनाश हो। विनायक सेन जीएन साई बाबा जैसे नक्सली आतंकवादियों के साथी जजों का विनाश हो, विनाश हो, विनाश हो। देशद्रोही जजों के घरों में आग लग जाए, आग लग जाए। भगवान अयप्पा को रुष्ट करने वाले जजों का विनाश हो, विनाश हो। राम मंदिर में रुकावट डालने वालों को कुत्ता खाए, कुत्ता खाए। राम मंदिर में निर्माण में बाधा डालने वाले सुप्रीम कोर्ट में आग लग जाए। राम मंदिर को निर्माण को रोकने वाले जजों को कुत्ता काटे, कुत्ता काटे। वो भी पागल पागल कुत्ता काटे। राम मंदिर में बाधा जजों को पागल कुत्ता फूट फूट करके खा जाए, काटे काटे। भगवान श्री राम की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जयकारो वीर बजरंगी, जयकारो वीर बजरंगी, महादेव। जयकारो वीर बजरंगी, महादेव। प्रेम तू बोल लेना। स्वामी ओम जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अभी हमने सुप्रीम कोर्ट के हिंदू विरोधी जजों का मरण करने के लिए हमारा अनुष्ठान किया है। ये लोग मरेंगे अभी और उससे पहले 28 जनवरी को पहले हम इनको घायल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में जाकर के। वहाँ से हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाने के बाद ये इनको डॉक्टर बजा नहीं पाएंगे। और इससे एक सबक मिलेगा कि जो भी हिंदू द्रोही जज बनेगा उसके खिलाफ हम ऐसे ही हवन करके उनको मार देंगे। हम हथियार से तो मारेंगे तो हमको जेल हो जाएगी, इससे मारने से हमको कोई जेल नहीं होगी, इसीलिए हम इससे मार रहे हैं। हम तांत्रिक अनुष्ठान के माध्यम से मारण प्रयोग करके इन हिंदू द्रोही जजों की हम हत्या करने जा रहे हैं। और उस हर जज को हम मारेंगे जो जज हिंदुओं के खिलाफ जजमेंट देगा, हिंदुओं का विरोधी होगा, जो सीआईए एजेंट होगा उसको हम ऐसे ही मारेंगे। संजीव राठौर जी आप भी वानर सेना से जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ये यज्ञ के बारे में? हम ये कह रहे थे आज जो यज्ञ आया है स्वामी ओम जी ने वो सुप्रीम कोर्टों के जजों के खिलाफ किया है, क्योंकि वो राम मंदिर निर्माण में बाधक है। राम मंदिर निर्माण की बार बार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। अब स्वामी ओम जी ने कह दिया 29 जनवरी आखिरी तारीख है, अगर 29 जनवरी तक कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके खिलाफ हिंदुओं के सारे संगठन और जितनी भी सेना हिंदुओं की है सारी इकट्ठी होकर के स्वामी ओम जी के नेतृत्व में और जैन साहब के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कूच करेगी। वहां से कूच के आदेश होंगे कि अयोध्या जाके राम मंदिर निर्माण किया जाए। मुकेश जैन जी आप यहाँ पे सरेआम जो है यहाँ पर जजों के ऊपर मारने वालों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा कर रहे हो, सरेआम यहाँ जंतर मंतर पर क्यों? जो नक्सलवादी जज है, जो देशद्रोही जज है, जो सीआईए के एजेंट है, उनकी तो हत्या भी कर दी जाए तो भी कम है। मैं तो ऐसे जजों को, इनके परिवार के लोगों को, इनके जजों को मारने के लिए थप्पड़ मारने का 1,00,000 रुपए का इनाम दे रहा हूँ। और इनके परिवार के लोगों, इनकी माँ को, इनकी बहन को, इनकी बेटी को, इनके बच्चों को, इनकी औरत को पीटा जाए तो 50,000 का इनाम। क्यों उनकी माँ बहन बेटियों का क्या दोष है? कुसंस्कार दिए हैं शैतान के लोग, सांप के बच्चे सपोले ही होते हैं। ऐसे सपोले से देश को बचाना है। आगे तो आपने आए हो। भारत माता की जय। जजों का विनाश हो, विनाश हो, विनाश हो। हिंदी और हिंदू द्रोही जजों का विनाश हो, विनाश हो, विनाश हो। सुप्रीम कोर्ट में हिंदी का आगमन हो, आगमन हो, आगमन हो। संविधान के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है और सुप्रीम कोर्ट का कार्य हिंदी में होना चाहिए। ये महामहिम राष्ट्रपति जी के 24/11/98 के आदेश है। अंग्रेजी आदेशों का हिंदी अनुवाद देना उनकी संवैधानिक बाध्यता है। संविधान के खिलाफ जाने वाले जजों का विनाश हो, विनाश हो, विनाश हो, विनाश हो। तारीख पे तारीख देने वाले जजों का विनाश हो, विनाश हो। राम मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण हो, निर्माण हो। राम मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण हो, निर्माण हो, निर्माण हो। अभी अभी हम पूर्णावती कर रहे हैं। पूर्णात् पूर्णमदा पूर्णमेवा अवशिष्यते, पूर्णस्य पूर्णमावदाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। हिंदू जनानां सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थं पूर्णाहुतिं
राम मंदिर निर्माण किताबें चलो भाई ये जय कोला।